देखिए मैं सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट कर दी। 5:45 को ही मैं उठ गई और उठने के बाद मैं ब्रश करती हूँ। पहले ब्रश करने के बाद ही मैं मेरा सुबह का काम स्टार्ट तो हो जाता है। मैं पहले ब्रश कर ली। ब्रश करने के बाद मैं जो चाय बनाऊंगी, चाय पीने के बाद ही मेरा सब कुछ काम होता है। मैं सुबह ही उठ जाती हूँ क्योंकि सब कुछ काम करने से लेट हो जाएगा ना, इसीलिए देखिए चाय भी बिठा दी। एक साइड चाय, एक साइड पानी गर्म करने के लिए बिठा दी। ससुर जी भी नहाएंगे ना इसीलिए, और चाय भी तो हो गया, मैं चाय भी पी ली। और ससुर जी का काम, सुबह का काम, उनको नहलाना, उनको लेटिन लेना, नहलाना, सब कुछ काम, उनकी रूम की सफाई सब कुछ कर दी। उसके बाद मेरा नहाना धोना सब कुछ हुआ। सुबह सुबह टाइम तो बहुत बिजी रहना पड़ता है ना, तो ससुर जी का रूम काम करना बहुत, मतलब सुबह का बहुत टाइम हो मुझे लेट हो जाता है, सब कुछ करना पड़ता है, वो तो चल भी नहीं पाते हैं। आप लोग को मेरे ब्लॉग में देखे होंगे पहले का ब्लॉग से। और देखिए नहाने के बाद मैं थोड़ा सा मेकअप लेती हूँ, थोड़ा सा लेती हूँ, मैं ज़्यादा मेकअप नहीं लेती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मैं ज़्यादा कभी भी मेकअप ली तो मेरी बेटी बोलती है, अरे आप ज़्यादा मेकअप मत लो, अच्छा नहीं लगता है। तो वैसे भी मैं रोज़ का मेकअप क्या लूँगी, हल्का सा मैं जो कुछ क्रीम लेती हूँ, उसके बाद टेलकम पाउडर और सिंदूर वगैरह, सिंदूर लगाती हूँ, काजल लगाती हूँ बस, थोड़ा सा कभी कभी लिपस्टिक लगाती हूँ, थोड़ा सा लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं लगाती हूँ मैं। और देखिए मेरा पाउडर भी तो लगाना हो गया। और सर पे हमारे ओडिशा में जब भी सिंदूर लगाते हैं ना, सर पे पल्लू या कुछ भी कपड़े डाल के ही लगाते हैं, वो हमारे पूर्व पुरुष मन सब कहते हैं ना, इसीलिए मैं सिंदूर लगाती हूँ। और सिंदूर लगाने के बाद मैं आईब्रो पेंसिल भी लगाती हूँ, क्योंकि मेरा आईब्रो बहुत पतला है ना, इसीलिए मैं आईब्रो कभी भी थ्रेडिंग नहीं करती हूँ। मेरा पहले से ही उसी टाइप का ही है, मैं कभी भी जीवन में कभी भी मैं थ्रेडिंग नहीं की, मेरी बेटी भी नहीं की, क्योंकि हमारा गॉड गिफ्टेड आईब्रो है लेकिन पतला है। पतला के कारण से मैं आईब्रो पेंसिल लगाती हूँ। और काजल भी रोज़ लगाती हूँ, मुझे कभी भी काजल नहीं लगाऊंगी ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। देखिए आईब्रो पेंसिल कभी मैं लगा लेती हूँ, आईब्रो पेंसिल लगा के वो सब काम सुबह सुबह सब हो जाता है। फिर मैं नहाने के बाद वो काम पहले करती हूँ, उसके बाद पूजा सब कुछ करती हूँ। कभी 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 नहीं, मैं नहाने के बाद ही पहले थोड़ा सा मेकअप लेती हूँ, मतलब कुछ जो काजल लगाना, सिंदूर लगाना, पाउडर लगाना, वो सब मैं करती हूँ। उसके बाद मैं पूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद मेरा जो दूसरा काम होता है, सुबह का नाश्ता वास्ता सब कुछ होता है। देखिए और मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, उसके बाद नाश्ता और सब कुछ क्या मैं उसको दिखाऊंगी, और मेरा घर पोछा होगा वो वाला आपको मैं दिखाऊंगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल लीली ब्लॉग। फ्रेंड आप लोग कैसे हैं? मैं तो अच्छी हो गई हूँ लगभग। और आज तो बुधवार है, बुधवार कल तो गुरुवार है ना, गुरुवार के दिन हमारा जो मकड़ी का जाल होता है वो साफ नहीं करते हैं, तो मैं आज साफ करूँगी। वीक में एक बार मैं साफ करती हूँ, तो मैं कैसे साफ करती हूँ देखिए, मकड़ी का जाल मैं साफ करूँगी इसी से। और फिर हमारे चैनल का जो न्यू विस्ट तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और बटन के साथ सब्सक्राइब कीजिए। और साड़ी के साथ देखिए वो बड़ा वाला हंकी, बड़ा वाला ड्रेस वाला हंकी, उसी हंकी का काम में आएगा। बीच बीच में मुझे पसीना पसीना पड़ेगा, तो मैं इसी हंकी के साथ टक कर देती हूँ। और चलिए काम भी मैं करती हूँ, और क्या क्या कर सकती हूँ मैं दिखाती हूँ। चलिए तो जेंट्स वाला हैंकी को मैं टक करती हूँ, टक करके काम करूंगी। ओके, मैं ऐसे ही तो साड़ी को हो गया हैंकी टक। बड़ा वाला सच में बड़ा वाला हैंकी, मतलब जेंट्स हैंकी काम में आएगा, छोटा सा लेडीज हैंकी इतना सा होता है,
कुछ भी हाथ पोछ नहीं पाओगे, तो बड़ा वाला ही अच्छा है। तो इसी टाइप का ही मैं करती हूँ, छोटा और छोटा कर दूंगी। और मैं आज जो भिंडी खट्टा बनाऊंगी, जो बुखार हुआ था, सर फीवर हुआ था, फीवर की वजह से मुझे थोड़ा खट्टा खाने का मन कर रहा है, तो भिंडी खट्टा बनाऊंगी और भी आपको आपके साथ में शेयर कर दूंगी। चलिए काम में लग जाते हैं। वाह, चलिए मेरे घर में, और जो देखिए मेरा वो कैसे टूट गया था, तो उसको मैं जो ब्लैक टेप लगा के सही की। चलिए वो सब मकड़ी का जाल है ना, उसको साफ करूँ। अरे ये हिलता है, इजीली साफ हो जाता है। लेकिन मकड़ी का जाल बहुत, अभी ना बारिश के दिन मकड़ी का जाल ना, मकड़ी जो जाल बहुत बुनते हैं इसी सीजन में, तो साफ नहीं करने से बहुत सारा मकड़ी का जाल हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, इसीलिए उसको तो साफ भी करना चाहिए बीच बीच में। इजी से हो जाता है, इस टाइप का जो होता है स्टिक। बीच बीच में तो ऐसे साफ भी करना चाहिए। मेरा हाइट तो लंबा है, मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, शॉर्ट करके ही कट रही हूँ, क्योंकि वो ना हिलता है, कहीं टूट जाएगा, इसीलिए मैं नहीं कर रही हूँ लंबा से, थोड़ा शॉर्ट करके मैं कर रही हूँ। बहुत सारा हो गया मकड़ी का जाल। काल है ना गुरुवार, गुरुवार गुरुवार के दिन सारे तरफ साफ होगा, तो कहते हैं जो गुरुवार के दिन मकड़ी का जाल साफ नहीं करते हैं, तो इसीलिए मैं आज बुधवार, बुधवार के दिन ही करूँगी। और आज मैं जो हेयर ऑयलिंग करूँगी, काल साफ करूँ, काल बाल में धोऊंगी ना, तो मैं सरसों के तेल से हेयर ऑयलिंग भी करूँगी शाम को। खट्टा खाने को मन किया, तो देखिए मैं जो हमारा भिंडी खट्टा में बनाई, जो ड्राई मैंगो के साथ, बहुत टेस्टी लग रहा था आज। और लॉन्ग बीन्स को फ्राई भी मैं की थी, वो सब है, और भी है सब्जी, वो बीच बीच में कर रही थी, मैं सारे को नहीं दिखाई। और काम भी होता है ना वेपर के साथ, कैसे मैं साफ कर रही हूँ मकड़ी का जाल, देखिए। काम करने के साथ साथ जो मकड़ी का जाल भी सफाई कर रही हूँ, देखिए वो फोकस आ रहा है ना, इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा है आपको। तो कुछ इसी टाइप का करना पड़ता है, सुबह साफ करने से अच्छा होता है, लेकिन मुझे काम बहुत रहता है ना, इसीलिए मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मैं दिन में ही कर ली। खाना भी बना रही थी उसी टाइम, मैं साफ भी कर रही थी, देखिए। और बहुत मुश्किल है, साड़ी के साथ काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम कर लेते हैं, हम ना साड़ी के साथ ही कर लेते। ओके फ्रेंड्स, अभी मैं रखती हूँ, अगले वीडियो से फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय। मैं साफ भी करती हूँ कि बाय बाय।